इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए खस का इस्तेमाल किया जाता है और इसी खस की खेती करके वे हर किसान मालामाल हो सकते हैं जो अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। आज हम आपको खस के बारे में बताने वाले हैं जिसकी खेती कर आप मालामाल हो सकते हैं। कई किसान और पढ़े लिखे युवा भी औषधीय पौधे और फलों की खेती कर रहे हैं जिसकी मांग उपयोग भी ज़्यादा है और कीमत भी। यदि आप भी ऐसी खेती करना चाहते हैं तो खस की खेती आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश विदेशों में खस की जबरदस्त डिमांड है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के औषधीय सगंध पौध एवं अकाष्ठीय वन उपज उत्कृष्टता केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर पीके जोशी ने खस की फसल को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। खस एक ऐसी फसल है जिसकी जड़ों का उपयोग होता है, इसकी पत्तियों का ही उपयोग नहीं है, लेकिन जड़ों का बहुत इसका उपयोग है, जिसमें सुगंध पाई जाती है, सुगंधित तेल इसकी जड़ों में ही प्राप्त होता है। तो ये फसल 18 महीने का समय लेती है पकने में। तो ऐसी ज़मीनें, रेतीली ज़मीन, खास तौर पर रेतीली ज़मीन में इसकी खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है, लेकिन जो हमारे यहाँ काली मिट्टी जहाँ पर है वहाँ पर इसकी खेती ना करें, केवल रेतीली ज़मीनों में ही इसकी खेती करें और इसकी जड़ों से तेल का उत्पादन लेकर बहुत अधिक मुनाफा इसमें प्राप्त हो सकता है। सिर्फ ध्यान यही रखना है कि 18 महीने की फसल है, तो इसलिए इस फसल के लिए किसान को मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। 18 महीने का समय बहुत होता है, तो इसलिए ऐसे किसान जो पहले मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, वही इसकी खेती के लिए आगे बढ़ें। इसकी खेती में लगभग 15 किलो प्रति एकड़ तेल प्राप्त होता है जड़ों से, और जड़ों का उपयोग तेल निकालने के बाद खस की जो आजकल बाज़ार में कूलर में वगैरह लगाए जाते हैं उसमें भी इसको बाज़ार में बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है। इसका जो तेल है खस का, इसकी बहुत अधिक मांग है और लगभग 15,000 रुपया प्रति किलो तेल इसका बिकता है बाज़ार में, और बहुत अच्छी इसके भाव प्राप्त होते हैं। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया प्रति एकड़ किसान इससे कमा सकते हैं।